glamour and style, and I'm sure the best of the best will win. So it's a great evening. Looking forward to have some fun. David's stylist. Well, right now I'm working with two of them called Yasmin. She's a very close friend also, and with Sana. I think both of them are fabulous, so they are my favorites. Thank you. हाँ सोलो नहीं हुआ हाँ हाँ बोलो बोलो कहाँ थे वो हाँ हाँ मैं आई हूँ बीडी आप टू टेक माय सोलो योर कमिंग इन माय वे हाय हाय सी यू हाँ भाई नहीं नहीं कर लो ना वो फोटो ले लीजिए हाँ पूछ ही नहीं सकते आए हैं तो बहुत एक्साइटेड है ही लुक्स मोर एक्साइटेड देन अस हां बहुत हम एक्साइटेड है और हां पूरे साल इसी के लिए वेट करते हैं हम लोग कि ये कब बुलाएंगे हमें और हमें अवार्ड कब देंगे प्रोत्साहित करेंगे हमें सॉरी ग्लैमर्स हां ग्लैमर एंड स्टाइल हां ग्लैमर अपने खुद के स्टाइल भी है पर हमारे पास स्टाइलिस्ट भी है जो अभी यहां जो नहीं बहुत काम करते हैं आई थिंक आलिया की स्टाइल बहुत अच्छी है बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं 8 साल के 9 साल के दे लव योर स्टाइल और जो बर्थडेज होते हैं वो या आई एम वेटिंग फॉर यू प्लीज लिटिल मोर नहीं मैं बोल रहा हूं कि जो बर्थडेज होते हैं जिस तरीके जो बर्थडेज व्हिच बर्थडे व्हिच फैंसी ड्रेस जब बचपन में लाइक बच्चे फ्रॉक वॉक पहन के जाते हैं सो वो सिंपल स्टाइल खुलासा हां बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मैं बच्चों से प्रेम मैं भी खुद बच्ची हूँ इसलिए ठीक है योर फेवरेट एक्टर लाइक मोस्ट स्टाइलिश एक्टर मोस्ट ग्लैमरस एक्टर हु डू यू फील आई थिंक मिस्टर बच्चन इज सुपर स्टाइलिश और मुझे विजय देवकोंडा का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है और हाँ वरुण भी बहुत अनयूजुअल तरीके से स्टाइल करते हैं जब भी वो किसी फिल्म का पब्लिसिटी नहीं जब कोई फिल्म रिलीज होने वाली है तो वो उस फिल्म के किरदार में ड्रेस करने लगते हैं एंड दैट्स व्हाई यू ऑलवेज सी अ डिफरेंट वरुण ही इज ऑलवेज प्लेइंग अ डिफरेंट स्टाइल नो डोंट यू एग्री मुझे हाँ जी क्या ऐसे लाइव कमेंट्स लाइव बैड वर्ड्स भी मिलते हैं आलिया से मुझे बट बिल्कुल नहीं मैं बिल्कुल बट आई थिंक मुझे स्टाइलिश कौन लगता है आई थिंक एक्चुअली जेन्युइनली मस्ती नहीं कर रहा आई जेन्युइनली फील कि रणबीर बहुत अच्छी तरह ड्रेस करते हैं कैजुअल लुक्स में हो या इनहेरेंटली स्टाइलिश आई थिंक उनके जो रणबीर और उनके जो पिताजी है ऋषि जी वो भी हमेशा बहुत स्टाइलिशली ड्रेस करते हैं जो उनके जो स्वेटर्स व्हिच ही वुड वेयर इन हिज सॉन्ग्स इन द सॉन्ग इन द सॉन्ग वो मुझे बहुत कूल लगता है थैंक यू हां जी इट्स कमिंग अप रियली वेल आई एम स्टिल शूटिंग फॉर दैट स्ट्रीट डांसर इज गोना रिलीज आई थिंक ऑन द 24th ऑफ जैन आलिया इन अ थिएटर नियर यू इन अ थिएटर नियर आलिया इज ब्रह्मास्त्र नेक्स्ट आई हैव ब्रह्मास्त्र और मैंने स्ट्रीट डांसर का ट्रेलर देखा है बहुत ही बढ़िया है आग लगा देगा Because it's a very different kind of film, so good things take time. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you.
गुड न्यूज़। आप बताइए, आज गाना निकला है, कैसा लगा आपको हमारा सौदा खरा खरा? थैंक यू। हाय, आई थिंक आई शुड फिनिश गिविंग यू अ हग। सिंस आई वॉच्ड द वीडियो, यू आर लुकिंग सो हॉट। आई एम लविंग एवरीथिंग। समीशा पिक्चर्स, तेरे पिक्चर्स खत्म कर। हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन? आई थिंक जो प्यार मिल रहा है ऑडियंस से और जितने व्यूज आ रहे हैं और सब मैसेजेस भेज रहे हैं, इट्स जस्ट सुपर ओवरवेलमिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर द फिल्म विद यू ऑन द 27th ऑफ डिसेंबर। Film fair, I mean it's the one award show that everybody looks forward to, and tonight hopefully it's a lot of good news, so yeah, excited. इनके आवाज़ को मैं सुनाई नहीं दी, बस आई थिंक जितनी बेसब्री से सब इंतज़ार कर रहे हैं उतनी ही एक्साइटमेंट एंड यू नो वी कांट वेट टू शेयर इट विथ यू ऑल, सो एक्साइटेड। या थैंक यू, सिंस इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर एंड स्टाइल टुनाइट एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड प्लेइंग ड्रेस अप। टुनाइट आई वाज स्टाइल्ड बाय लक्ष्मी लहर एंड पंकज एंड निधि गाउन, सो आई होप इट्स एक्टर आई थिंक ऋतिक रोशन, करीना कपूर खान, फॉर श्योर। सी यू, थैंक यू, थैंक यू। Carpet is getting stuck. Yes, it's okay. I think anything that Filmfare does is always exciting. I think whether it's their film awards, whether it's their fashion and style awards, I think being at a Filmfare event is always a lot of fun. Thank you very much. I think that's very sweet. Well, जैसे लिखा है यहाँ पे, it is a glamour and style award. So I think थोड़ा ज़्यादा glamour और stylish होना चाहिए। Stylish actor, I think for me it's Kareena. I think she's just lovely and stylish and just so beautiful. Thank you so much. अरे मैं पीछे, अरे रहना यार, तुम क्यों कर रहे हो?
सामने एकदम काफी एक्साइटेड हूँ. इट्स ऑल फॉर फिलहाल ही ब्यूटीफुल लग रहा है. अब आगे भी लगेगा ही. हाँ, यू वांट टू नो? ओके, आई एम वेयरिंग रुद्राक्ष द्विवेदी एंड इट्स अ लाइम ग्रीन. आई लव दिस कलर. आई ऑलवेज वांटेड टू वेयर दिस कलर, सो आई एम रियली हैप्पी. एंड इट्स मोर लाइक अ डॉल वाइब, लाइक अ प्रिंसेसी वाइब. सो आई वांटेड टू पुल दिस ऑफ एंड आई रियली लाइक इट. एंड आई एम ऑन द अदर हैंड, आई लव द ब्लिंग हैपनिंग एंड मल्टी कलर वाइब हैपनिंग इन इट. And it's by Yusuf Al Jazmi. That's about it. You know, agar hum ji every day 10 million 300 ho gaye abhi abhi hue 300 lekin every day 10 million yeah that's actually huge. Yeah, kaise dekhi aap? I think obviously bahut successful hai and I'm jab maine actually ye gana suna tha
मुझे वो गाना सुन के ही लगा था कि ये बहुत बड़ा हिट होने वाला है, बिकॉज एक कई बार होता है एक सुन के एक बार में ही लूप पे चल जाए आपके दिमाग में. एंड बट एक्चुअली आई वाज वेरी सरप्राइज विद द 5 मिनट होल स्टोरी दैट दे केम अप विद. आई थॉट दैट वाज ब्यूटीफुल एंड या आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स डन सो वेल. इट्स आई थिंक इट्स क्रॉस ऑल ऑफ माय सॉन्ग्स. ये अभी देखी नहीं इसने, कल देखी. मैंने नहीं देखी अभी. ट्रेलर कैसा? और ये पहली फिल्म है जो इसने मुझे पहले नहीं दिखाई है अभी तक. मुझे बुरा लग रहा है. मैंने नहीं देखी है तो मैं. हाँ आप तो, आपको तो दिखाना पड़ेगा. नहीं मैं गुड लक हूँ इसकी. मैं इसकी फिल्म्स पहले देखती हूँ हमेशा. वेल इट्स माई फर्स्ट हिस्टोरिकल, सो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ. एंड एक्चुअली मैं इसके बाद आज रात को देखने जा रही हूँ. सो मतलब मन में थोड़ी धक धक हो रही है. एक पहली बार ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है जो एक्चुअली कभी जीवित रह चुका है, तो उसकी एक अलग फीलिंग होती है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि आपने अच्छे से किया हो, क्योंकि उस कैरेक्टर की जितनी रिस्पेक्ट रही है यू नो वो दर्शाना, और जितना ब्रेव वो कैरेक्टर रहा है वो दर्शाना. बट आई हैव बीन इन द बेस्ट हैंड्स आशुतोष गोवारिकर, एंड आई होप दैट पीपल लाइक द फिल्म. एंड इट्स आई ऑलवेज से इट्स अ स्टोरी दैट मस्ट बी वॉच्ड, बिकॉज एक हिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जो शायद हम भूल चुके हैं. और यहाँ महाराष्ट्र में तो इनफैक्ट कुछ भी होता है तो अरे पानीपत झालं है ना, तो वो आई फेल्ट कि उसको देखने का नज़रिया एक अलग होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी वॉर थी जिसका चाहे रिजल्ट जैसा भी रहा हो, उसका जो करेज था जो उन लोगों पे बीती वो पता होना चाहिए हम सबको. एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इंट्रीग मी वॉज कि अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो उन्होंने 4 बार पहले इन्वेट किया था, ये 5वीं बार था. वो जीते थे बैटल लेकिन वो वापस नहीं आए कभी, तो क्यों नहीं आए. सो आई फील कि आई ऑल्सो होप कि बच्चे देखें, यू नो आई फील हिस्ट्री हमें बुक्स में जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं. मैं भूल गई थी, तो जब आप देखते हो तो आप एक एक्सपीरियंस करते हो. एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू वॉच इट. जो भी अच्छा लगेगा मुझे, जो भी मुझे लगेगा कि ये सही है मेरे लिए, वो देखेंगे. सिंपल आंसर. ये गाइड करती है मुझे हर चीज़ में. ये गाइड करती है मुझे हर चीज़ में. कुछ भी डाउट होता है मन में, आई ऑलवेज गो टू हर पूछने के लिए. बट हाँ, एक तरीके से शी इज़ लेटिंग मी टेक माई ओन जर्नी. शी लाइक पहले खुद सोच जो भी तुझे करना है, फिर मेरी अगर इनपुट चाहिए तो आई गो. बट दैट्स हाउ इट शुड बी. आई फील लाइक टुडे आई एम प्राउड ऑफ द जर्नी आई हैव हैड. एंड I really feel that everyone should have their own journey with their own mind and their own heart. Thank you guys. Thank बात पहनो सुनती कल कहा था. एक सेकेंड रुक जा, रुक जा यार.
धन्यवाद भाई। अंदर बुला रहे हो? हाँ, मैच इन दिनों मेरे को चिंटू जी सुनना पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है जब कैरेक्टर नेम से बुलाते हैं मेरे को सब लोग। और आई थिंक जिस दिन से ट्रेलर आया उस दिन से सब लोग चिंटू त्यागी करके बुला रहे हैं मेरे को, चिंटू जी बुला रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि दिमाग में कैरेक्टर बैठ रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट इन फैक्ट। एंड और फिल्म फेयर स्टाइल एंड ग्लैमर अवार्ड्स बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है, जहाँ पे स्टाइल के लिए नवाजा जाता है, आपको अवार्ड किया जाता है। सो आई एम एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। जी है ना, कुछ ऐसा ठंड का मौसम है ना, तो थोड़ा सा वैसा सा फील है। और इतनी ठंड नहीं, मैं थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो इस चक्कर में मैंने ऐसा पहना है, बट आई थिंक माय स्टाइलिस्ट दे ऑलवेज डू अ वंडरफुल जॉब विथ मी एंड काजिन एंड प्रियंका बेसिकली दी वेंजोरिस दे ऑलवेज स्टाइल मी एंड हमेशा कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी के साथ करते जो भी करते। मैं हॉलीवुड से बता सकता हूँ, रायन गॉस्लिंग, मेरे को उनकी स्टाइल बहुत पसंद है, बहुत ही बेसिक येट स्टाइलिश लगते हैं। या ऋतिक रोशन सर, थैंक यू। हाँ जी, कहा है मेरे पोजर्स, क्या है बहुत थैंकफुल हूँ कि सबको इतना पसंद आ रहा है। अभी यहाँ पे कोई गा भी रहे थे, तो रियली थैंकफुल टू ऑल द मीडिया, टू द ऑडियंस हु आर सपोर्टिंग इट, एंड 85 मिलियंस क्रॉस हो गए, सो प्लीज़ और आगे लेके जाइए, बस मेरी यही दुआ है आप सबसे। सो आई एम वेयरिंग अ टर्किश डिज़ाइनर ताहिर तारिकी, सो या इट्स फिल्मफेयर स्टाइल एंड ग्लैमर अवार्ड्स। वो बाद में बात करेंगे। I'm so excited. It's going to be the beginning of the award season, so it's very nice to be able to see everybody and see what everybody's wearing and seeing how beautiful everyone is. Thank you. It's by Nita Lula, and happy to be wearing her gown, and hopefully I do it justice. Thank you. Thank you. Guys, it's already started. It started.